मैटर है ये माननीय मुख्यमंत्री, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री कहने का मतलब कि नीतीश कुमार जी के पास ये मैटर चला जा चुका है। इन सातवीं चरण शिक्षक बहाली का जो भी बड़ा मैटर है, खासकर एज रिलैक्सेशन और ये जो डिवाइडेशन का जो मुद्दा है। साथियों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम बड़ी चार पॉइंट पे, बड़े चार मुद्दा के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि आप लोग का बहुत सारा प्रश्न है और बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है मेरे पास, बहुत सारा कॉल भी आया है, व्हाट्सएप पर भी आया है। तो व्हाट्सएप पे करने से अच्छा है और आप लोग को फोन पे बताने से अच्छा है कि आज इस वीडियो में मैं कुछ मुख्य पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं ये चाहता तो लाइव में भी आकर आप लोगों के बीच रख सकता था ये बातों को, लेकिन लाइव में काफी लंबा सेशन हो जाता है सारे प्रश्नों का जवाब देते रहते। इससे अच्छा है कि एक शॉर्ट वीडियो बनाकर और वही शॉर्ट वीडियो में आप लोग का बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाए। सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि आज सचिवालय का दौरा किसी भी अभ्यर्थियों का नहीं था। मैं और मेरे साथ अजय जी और उसके बाद क्या प्रशांत जी थे, जिसमें बारिश पटना में काफ़ी ज़्यादा हो रही है और भीग जाने के कारण हम सही प्रकार से मिल नहीं पाए, सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर से मिलकर और तुरंत निकल गए क्योंकि हम पूरा भीग चुके थे सर, और अभी तुरंत आए हैं अपने घर पे। तो ये सोचा कि आप लोगों के बीच कुछ अपडेट दे दिया जाए सचिवालय का, थोड़ा बहुत जो भी अपडेट मिला है। क्या सचिवालय का तो प्रतिदिन एक ही चीज़ रहता है, घुरा फिरा कर शिक्षा मंत्री के जो भी लेवल के सॉरी जो भी अधिकारी हैं बार बार एक ही चीज़ घुमा फिरा के करते हैं। खैर चलिए, आज हम अब बात करेंगे कि इन शिक्षकों की बहाली को लेकर जो चार पॉइंटों के ऊपर आज हम बात करने वाला है, इन चार पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहले ही बात करेंगे कि सीटों का भी खंडन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारा प्रश्न है आप लोग का कि सीटों का भी खंडन का सर मुद्दा जो है वो शांत हो गया है, तो क्या सीटों का भी खंडन जो है वो अभी होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि 38 जिला का जो रिक्तियां आया है, उस 38 जिला के रिक्तियां के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। ओके, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वीडियो के अंत तक बने हुए रहना है, यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। तो दोस्तों, आप मुझे पहचानते हैं, मैं हूँ विक्की गौरव, आप देख रहे हैं एनसीपी जनजन की आवाज, और शिक्षा जगत संबंधित जो भी अपडेट आई है हमने सबसे पहले आपके लिए लाने का। दोस्तों, फर्स्ट चार पॉइंट है जिसमें सीटों का भी खंडन है, एक नंबर, दो नंबर है 38 जिला का जो रिक्तियां आया है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर है कि 22/7/2022 की जो समीक्षा बैठक होनी है, उस समीक्षा बैठक में किन किन मुख्य बिंदु पे चर्चा होने वाली है उनके ऊपर भी बात करेंगे। नेक्स्ट है कि क्या जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। देखिए, संभावना ही हम कह सकते हैं या फिर 100% कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग भी अभी अगर कह रही है कि हम 100% ये महीना में नोटिफिकेशन दे रहे हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि 22 तारीख की समीक्षा बैठक है, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो आज मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख कर लाया हूं और आप लोगों के बीच ये जो मैं बार बार वीडियो में भूल जाता हूं आकर कि किस किस मुख्य बिंदु पे हमें बात आज करनी है वीडियो में, तो इसीलिए मैं सोचा कि आज आपके लिए मुख्य बिंदु लिख कर लाया जाए और वही मुख्य बिंदु के हिसाब से आज का वीडियो बनाया जाए, टॉपिक बनाया जाए, और आप लोग बहुत सारे हजारों की तादाद में स्टूडेंट देखते हैं तो सारे लोगों का कन्फ्यूजन दूर किया जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि धन्यवाद कि आप हमारे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं, और आपके विश्वास के कारण ही आप होती है, सही जानकारी होती है, शिक्षा विभाग से लड़ाई लड़ना हो या जो भी करना हो करने का मैं प्रयास करता हूँ। खैर चलिए, सीटों के विखंडन के ऊपर बात करते हैं। 50,000 के आसपास सातवीं चरण के अंतर्गत रिक्तियां आ रही है, पिछले रिक्तियां यानी कि छठे चरण वाला जो रिक्तियां है वो सातवीं चरण में अभी ऐड हो रही है। तमाम जिला का अगर आप देखेंगे तो जितने भी जिला का रिक्तियां आ रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि छठे फेज में 1-5 में कितना रिक्तियां खाली रह गई थी और 6-8 में कितना रिक्तियां खाली रह गई थी, वही रिक्तियां को और आरटीई के अनुसार जो रिक्तियां 7th फेज में बन रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि 30:1 के रेशियो में कह सकते हैं, या फिर शिक्षक के सॉरी छात्र के और छात्र छात्रा के जो अनुपात में जो रिक्तियां बन रही है वो रिक्तियां दोनों को ऐड करके अभी रिक्तियां दिया जा रहा है, ये बात आप लोग जानते हैं। क्या सीटों का विखंडन होगा या नहीं होगा, तो इस उम्मीद में हम लोग बहुत दिनों से टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि सीटों के विखंडन को लेकर क्या किया जा रहा है अभी तक। तो सचिवालय से मैं आपको स्पष्ट जानकारी दे दूं कि क्या कहा जा रहा है बार बार, और आज भी वही और कल भी वही जो कहा जा रहा था। देखिए, कल भी वही कहा जा रहा था जो आज भी कहा जा रहा है। बात वही है कि बैठक जब तक नहीं होगी, जब तक बड़े लेवल के मंत्री जी इस पर मुहर नहीं मारेंगे, मुहर मारेंगे मंत्री जी तभी सेटिस्फाइड हो पाएगा। लेकिन हम लोग की प्राथमिकता शुरू से ही है कि किसी भी स्थिति में इन बैकलॉग जो रिक्तियां हैं उसे तोड़ दिया जाए, और बिहार के एससी एसटी और महिला अभ्यर्थियों से एक निवेदन मैं करना चाहूँगा और एक जानकारी भी देना चाहूँगा,
कि उनके लिए भी एक ये सोने पे सुहागा होगा अगर विखंडन होता है तो। किन्हीं को लग रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लग रहा है, खासकर महिला अभ्यर्थियों को और एस सी एस टी वाले को लग रहा है कि हमारी रिक्तियां टूटने से बड़े पैमाने पर हम लोग को हानि होगा, हम लोग को कास्ट को हानि होगा और ये रिक्तियां नहीं टूटना चाहिए। तो देखिए, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये रिक्तियां उस आधार पर टूटेगी जब आपकी कास्ट की और आपकी कैटेगोरी की स्टूडेंट न मिलने पर टूटने वाला है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए कि आप एससी कैटेगोरी के महिला अभ्यर्थी हैं और एससी कैटेगोरी के वो महिला अभ्यर्थियों की सीट अगर वहां पे नहीं मिलता है, जी हाँ, एससी कैटेगोरी के महिला अभ्यर्थियों की सीट अगर वहां पे नहीं मिलता है तो ही वो सीट को पुरुष अभ्यर्थियों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि महिला रिक्तियां को पुरुष अभ्यर्थियों में वही कैटेगोरी की एससी कैटेगोरी में दे दिया जाएगा। ये हम लोग की डिमांड है और उम्मीद है कि ये डिमांड हम लोग को मांगा जाएगा, क्योंकि ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक भी जा चुका है। पिछले दिनों जो भी हम बाइट एक दिखलाए थे आप लोग को, देखिए विस्तार से जानने का प्रयास कीजिए तो हड़बड़ाइएगा नहीं। पिछले दिनों हम एक बाइट दिखलाए थे माननीय त्रिपुरारी झाजी का, जिसमें वो स्पष्ट किए थे कि हम एमएलए वो एमएससी के साथ गए थे, पैरवी के थ्रू गए थे, विजय कुमार चौधरी जो माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री है उनके पास गए थे। उनका मानना था, देखिए वहाँ पे तो बहुत ऐसी बात हुई, लेकिन मैं ये बिंदु पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यही बिंदु के ऊपर डिटेल में मैं बात करना चाहता हूँ। ये बिंदु कौन सी बिंदु, तो विखंडन के ऊपर। ये मैटर माननीय मुख्यमंत्री के पास जा चुका है, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार ऑर्डर देते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को, उसी प्रकार से वो ऑर्डर आगे के अधिकारी को देंगे, किन्हें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह को और उसके बाद प्राइमरी डायरेक्टर रवि प्रकाश सर को, यानी कि शिक्षा विभाग को ऑर्डर देंगे, तो फिर सीटों का विखंडन हो जाएगा। लेकिन जहां तक हमें अभी तक के हिसाब से लगता है कि जिस प्रकार पॉजिटिविटी अभी तक हम लोग को लिए देखने को मिला है, सीटों का विखंडन अवश्य होना चाहिए और हो जाएगा जहां तक हमें लग रहा है। और फिर से कहूंगा कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है उन अभ्यर्थियों को जिन्हें लग रहा है कि हमें इनसे क्षति होगा। अभी मैं आप लोगों को डिटेल में समझा चुका हूं कि किस प्रकार आपकी क्षति नहीं होगी, आपको जहां तक फायदा ही होगा। आप एक कहावत सुने होंगे कि खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, वही वाला बात है। अदरवाइज वो रिक्तियां फिर से चला जाएगा शिक्षा विभाग में और फिर से सरकार कहेंगे कि मेरे पास 4 लाख रिक्तियां खाली है और स्टूडेंट बिहार में नहीं मिला, योग्य स्टूडेंट नहीं मिला, इसीलिए सीट खाली रह गई। फिर से वही बात बोलेगी जिस प्रकार छठे चरण में बोली। इससे अच्छा है कि जो भी अभ्यर्थी कम मेरिट वाले भी होंगे, इस प्रकार अगर काम होता है तो कम मेरिट वाले को भी होने की पूर्ण संभावना होगी और कम मेरिट वाले भी शिक्षक बन पाएंगे जहां तक हमें लगता है। खैर चलिए, अड़तीसो जिला का जो रिक्तियां है उसमें बहुत सारा आप देखेंगे त्रुटि देखा जा रहा है। त्रुटि इस प्रकार मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप टोटल जो 3800 जिला का जो रिक्तियां दिखाया गया है 1 to 5 और 6 to 8 में अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 170,000 के आसपास हो जाता है, लेकिन वहां पे अगर आप देखेंगे तो 129,048 रिक्तियां दिखलाया गया है। आपको मैं फिर से बता दूं, वो जो लेटर मैं दिखलाया था पिछले वीडियो में, अगर वो नहीं देखे हैं तो आपके जिले में कितना रिक्तियां हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अवश्य देख लीजिएगा। देखिए वो लेटर सही था और आज का न्यूज़पेपर में भी आप देखे होंगे, मैं कम्युनिटी पोस्ट के भी माध्यम से आप लोग के भी जानकारी दे चुका हूँ ऑलरेडी मॉर्निंग में ही, तो वो लेटर सही था, आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। बट वहाँ पे ये कोरेक्शन जो ऐड जो करने का जो प्रोसेस था, कहीं कहीं जिला का जो काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ आ गया है जो उम्मीद से ज़्यादा है और कहीं कहीं जिला है जहाँ पे काफ़ी कम रिक्तियाँ हैं जो उम्मीद से कम भी आ गया है, इसी को सुधार को लेकर सारे DU लोगों का समीक्षा बैठक है, उसके ऊपर तो मैं विस्तार से बात करूँगा आगे के टॉपिक में। जिला का रिक्तियां देखे हैं उसी प्रकार के 3800 जिला का रिक्तियां आपको फिर से एक बार और देखने को मिलेगा और फिर पब्लिकली किया जाएगा, आप लोग के बीच भी दिया जाएगा, आप लोग देख भी सकते हैं और अपने साथी के यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोस्तों इन 3800 जिला के रिक्तियां के ऊपर हम बात कर रहे हैं, 3800 जिला के जो रिक्तियां के ऊपर जो भी कंफ्यूजन था, इसके बावजूद भी अगर आप लोग का कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट है 22/7, जी हाँ, इन जो भी जिला के रिक्तियां के ऊपर जो 3800 जिला का जो रिक्तियां हैं, इन 3800 जिला के रिक्तियां के ऊपर किसी प्रकार के अगर कन्फ्यूजन होगा तो अवश्य आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है 22/7/2022 समीक्षा बैठक जो होनी है, उन समीक्षा बैठक में किस मैटर पे बात होना है, ये एक बड़ी मुद्दा है और आप लोग का कमेंट भी हो सकता है। बैठक किया जा रहा है और सारे DO पटना सचिवालय में शुक्रवार को दिन आ रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं, पूरे बिहार के DO और जितने भी DO हैं सारे BO को अभी सूचित कर चुके हैं, सारे DO लोग जो हैं वो अपने BO को, प्रखंड के जो BO होते हैं BO को सूचित कर चुके हैं कि जितना जल्दी हो वो रिक्तियां को कैलकुलेट करके ऐड करके रखा जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, DO साहब का ही बात बता रहा हूं, ओके, जितना भी रिक्तियां हैं सारे BO लोग, सारे BA अधिकारी, BO अधिकारी को DO की तरफ से
कहा गया है कि सारे रिक्तियां को कैलकुलेट करके ऐड करके जमा करके रखा जाए, और जैसे ही वो लोग डीओ साहब सचिवालय जाएंगे 22 तारीख को, सारे लोग अपना अपना रिक्तियां लेकर जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं फिर से बता दूं कि 22 तारीख को पब्लिक रिक्तियां नहीं करेंगे, जहां पे जहां जहां का बचा हुआ है 22 तारीख को पब्लिक रिक्तियां नहीं होगा। 22 तारीख के बाद 23 तारीख हो या फिर 24 तारीख को जब भी हो रिक्तियां पब्लिक होगा, लेकिन 22 तारीख को सचिवालय में रिक्तियां दिखाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी को दीपक कुमार सिंह को और रवि प्रकाश प्राइमरी डायरेक्टर को दिखाया जाएगा। वहां पे माननीय शिक्षा मंत्री भी रहने की संभावना है, शिक्षा मंत्री भी रह सकते हैं उन समीक्षा बैठक में। नेक्स्ट बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन पर भी उन समीक्षा बैठक में बैठक होनी है, जिसमें सातवीं